गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। विचार ये चल रहा था मन ही मन कि हमारे ब्रह्मचारी श्री सेवानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रश्नोत्तरी का आदि शंकराचार्य जी का, हमारे ब्रह्मचारी श्री रामचैतन्य जी जो अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत में से, और अब जो 9:30 बजे से हमारे पूजनीय श्री महंत जी ये जो 10वें 11वें स्कंद पर बहुत ही सुंदर व्याख्या चल रही है, तो ये बीच में हमें कुछ जचा नहीं कि युद्ध की चर्चा कम से कम आज और कल 2 दिन तो हमने कहा श्री महंत जी महाराज को कि आप अनुमति दें तो आज कुछ 2 शब्द श्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, कल तो सब विद्वान और संत आपको श्रवण करवाएंगे ही, तो हमारी दृष्टि गई महर्षि के एक लेख पर जो कि ये भक्ति सर्वस्व ग्रंथ है महर्षि का। यानी ये ग्रंथ क्या है, ये तो भक्ति का खजाना है। महर्षि जब गीता प्रेस गोरखपुर में थे तो जैसे आप सब लोगों को पता है महर्षि के लेख कल्याण अंक में मासिक अंक में छपते ही रहते थे, तो जब संन्यास ले लिया और उसके बाद जब ये संस्था बनी सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, और लोगों ने महर्षि से प्रार्थना की कि आपके भक्ति संबंधी और जो भी लेख आपने लिखवाए हैं, तो महर्षि ने स्वयं बताया और ये संकलन जो महर्षि के द्वारा लिखवाए गए लेख थे पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जी के द्वारा, उन लेखों का संकलन जो कि बहुत दुर्लभ है भक्ति सर्वस्व में, पूरा का पूरा भक्ति संबंधी उनके लेख आ गए हैं प्राय प्राय, और साधना संबंधी जो लेख थे तो साधना और ब्रह्मानुभूति करके एक ग्रंथ है उसमें जो है महर्षि के लिखवाए हुए लेखों का संकलन है। इसके अतिरिक्त भी जो चारु चिंतन है उसमें भी ज्ञान संबंधी भक्ति संबंधी जो लेख बच गए थे जिन पर ध्यान नहीं गया और जो बाद में लिखवाए महर्षि ने जो चिंतामणि में छपते रहे, तो उनका संकलन क्रमशः होता रहा, ये ग्रंथ छपते रहे। और पावन प्रसंग तो एक अद्भुत ग्रंथ है जो कि हमारे विश्वात्मानंद जी महाराज आज आ रहे हैं, तो उनकी दृष्टि गई कि महर्षि ने जो विद्वानों और संतों को लेकर जो लिखवाया है आनंद बोध में, तो उनका संकलन कर लिया जाए, तो उन्होंने उसके लिए राशि भी दी और छपवाया। तो पावन प्रसंग तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। हमारे श्री आचार्य जी ने तो वो ग्रंथ जब दिया उनको जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन द्वारिका और जोशी मठ के स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज को, वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि कभी कभी सुनाते हैं आचार्य जी, तो इनको कहा कि भाई जितने लेख जिनके बारे में लिखवाए हैं हम भी उनको जानते हैं, पर महाराज की क्या अद्भुत दृष्टि है कि सिर्फ गुण दृष्टि, कोई किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, उनमें जो गुण थे उन गुणों का ही उन्होंने उल्लेख किया है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो सद्गुरु और शिष्य नाम से इस ग्रंथ में आप देखेंगे, आज आचार्य जी ये भी अनाउंस करेंगे कि जो गुरु पूर्णिमा से आनंद जयंती तक ग्रंथों पर ये दिया जाएगा उसमें काफ़ी लाभ रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि जन्म शताब्दी पे जो दिया गया छूट जो दी गई, तो
उसमें क्या है कि वैसे तो कीमत ग्रंथों की ज़्यादा नहीं है, पर छूट मिलने से लोगों का उत्साह बन जाता है लेने का, तो 50% छूट थी और कई ग्रंथ जो हैं वो अनुपलब्ध हो गए। यानी इतना लोगों ने लिया, हमारे स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज ने तो पूरे के पूरे सेट महाराज जी के ग्रंथों के लोगों को बांटे। तो ये जो अवसर आते हैं तो ये ग्रंथ भी आप लोग अवश्य लीजिएगा, भक्ति सर्वस्व। और इसमें जो है, बल्कि आचार्य जी तो चाहेंगे तो आज से ही कर देंगे, कोई आवश्यक नहीं है कल से ही करें। तो भक्ति सर्वस्व में ये लेख है सद्गुरु और शिष्य। अब उस समय जब हम ये संकलन क्या मतलब महाराज जी का एक पृष्ठ हम बना लेते थे अपनी साधना के लिए, तो पूरे लेख में 8 पृष्ठों का लेख है, तो मुख्य मुख्य पॉइंट हमने लिए 194 से 201 पृष्ठ। प्रत्येक पृष्ठ पे ये लेख कहाँ से, मतलब ये जो पृष्ठ है कहाँ से लिया गया है, ग्रंथ का नाम नीचे दिया है और उसकी पृष्ठ संख्या भी दी है। तो इस आनंद रस रत्नाकर में करीब 80 ग्रंथों में से महाराष्ट्र का जहाँ जहाँ हमको मतलब लगा कि ये बहुत काम की बात है, काम की तो सभी बातें हैं, पर वो सप्ताह में एक पृष्ठ बनाते रहे और वर्षों में कई पृष्ठ जब संकलित हो गए तो जन्म शताब्दी पे हमको कहा गया कि महाराषि का ग्रंथ छपना है, नया कोई ग्रंथ। तो हमने एक महापुरुष का ग्रंथ देखा था 365 पृष्ठों का, प्रतिदिन का एक पृष्ठ। तो हमारे हृदय में महाराषि ने ऐसी प्रेरणा दी कि जब इतने पृष्ठ बन ही गए 4-5 साल में, तो क्यों न इन्हीं को क्रम से लगा दिया जाए। और महाराषि की कृपा से क्रम से लग भी गया, जन्म शताब्दी के दिन लोकार्पण हुआ इस ग्रंथ का 2010 में। तो ये 23 मार्च में आनंद रस रत्नाकर जिन लोगों के पास है, ये भी ग्रंथ आप लोग अवश्य लीजिएगा। जब छूट जब आचार्य आज से ही दे देंगे, तो भक्ति सर्वस्व का जो लब्बो लबाव है वो एक पृष्ठ में मैंने कोशिश की है, संभव तो नहीं था, पर फिर भी महत्वपूर्ण ये जो पॉइंट लिए हैं तो आज 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ बातें इसकी कह के और मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी का ये जो श्री गुरु पूर्णिमा का शुभाशीर्वाद इस साल 2023 का है, बहुत लोगों के मोबाइल पे आ गया होगा और जिनको न भी मिला हो तो वो लोग ले लीजिएगा आनंद प्रस्तुति से हमारे दिवाकर जी से। तो ये कार्ड भी आचार्य जी जो चाहेंगे कार्ड भी दे देंगे, कार्ड भी हैं अभी तो, और तो सब जगह चले गए हैं, पोस्ट कर दिए गए हैं। तो इसमें आशीर्वाद जो है इस बार का, वो भी हमने आचार्य जी से परामर्श करके इसी लेख में से लिया। 3 वाक्य हैं आशीर्वाद में श्री गुरु पूर्णिमा। तो ये पहला वाक्य महाराज जी का है, जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। लेख तो आप पढ़िएगा, पर सद्गुरु अभी अभी ब्रह्मचारी रामचैतन्य जी सुना रहे थे कि सद्गुरु कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं है। महाराज ने इसी लेख में लिखा है, गुरु का दीख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, गुरु का दीख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है। दीख तो रहे हैं मनुष्य रूप में, पर एक बार स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने कहा, यही अध्यात्म विद्या मंदिर में महाराषि प्रसाद पा रहे थे, तो कुछ ऐसा उनका भाव बना महाराषि का श्री विग्रह देख के कि आप तो देवता लग रहे हैं। महाराषि बड़े विनोदी थे, बोले आज तो आप देवता लग रहे हैं। तो महाराषि ने कहा कि बाकी समय क्या मैं दानव रहता हूँ जो आज देवता लग रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ये जो रूप है वो रूप जो है वो मनुष्य रूप नहीं है सचमुच में। क्यों? महाराषि रहस्य बताते हैं, वह तो विशुद्ध चैतन्य है,
सदगुरु जो है विशुद्ध चैतन्य, तो उसी को महर्षि ने अपने शब्दों में दिया है कि जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं। परमार्थ तत्व अपने वेदांती लोग, विचारक लोग, और भगवान भक्त लोग। तो जिसका नाम भगवान है या परमार्थ तत्व है तो वो हमको मिले कहाँ, उनका हमें दर्शन कहाँ हो। तो बोले दर्शन तो हो रहे हैं, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। ये व्यास पूर्णिमा जो कल हम मनाएंगे, सुबह पूजा होगी 6 बजे और प्रतिवर्ष पूजा होती है, तो ये व्यास पूर्णिमा परम पूज्य महाराज जी प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर इस बात को सुनाते थे कि व्यास जी को ऋषियों ने कहा कि हम आपकी पूजा कैसे करें, आपका जो आभार है ये सनातन धर्म पर जो आपने इतना बड़ा जो उपकार किया है, तो हम आपकी पूजा कैसे करें, इसका जब प्रश्न किया तब स्वयं वेदव्यास जी ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो जो भक्त, जो जो शिष्य अपने सद्गुरु की, अपने गुरु की पूजा करेगा, वो पूजा मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो वही परंपरा आज तक चल रही है, हम अपने गुरु की पूजा उस दिन कर लेते हैं तो वो पूजा व्यास जी के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ये जो परमार्थ तत्व अथवा भगवान हैं, तो उनका दर्शन, ये तो मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। दूसरा वाक्य है, गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। लेख 8 पृष्ठों का है, 8 पृष्ठों से 1 पृष्ठ यहाँ मेरे सामने है आनंद रस रत्नाकर में, और उसमें से ये 3 वाक्य आशीर्वाद के रूप में इस बार सबको आशीर्वाद के रूप में जो है महाराज ने ये आशीर्वाद हम सबको दिया है। तो उसमें दूसरा वाक्य थोड़ा चिंतनीय है, वो क्या है कि शिष्य यानी हम और आप, हमारी पूर्णता किस में है, यदि गुरु हमसे संतुष्ट है। तो परम पूज्य महाराज जी के लीला स्मरण के 15 दिन पूर्व, करीब 15 दिन पूर्व, अब भले हम 6 साल महाराज जी की सेवा में दिन रात रहे उनकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, पर महाराज जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। प्रायः महाराज जी का ये स्वभाव ही नहीं था कि वो किसी को कहें अपनी ओर से कि भैया तुम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो, सामने वाला पूछे, और वो भी एक बार नहीं कई बार पूछे तो बता देंगे कि तुम्हारी ये गड़बड़ी है। बाकी तो उनको तो परमात्मा दर्शन के सिवाय दूसरी कोई दृष्टि नहीं थी। तो जैसे परमात्मा तो परिपूर्ण है, उसको हम क्या कहें कि भाई तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो, तो महाराज जी के हृदय में कभी ऐसा आया ही नहीं। और वो स्पष्ट कहते थे कि ये जो हमारे जो सेवा करने वाले हैं उनको हमने आज तक नहीं पूछा कि तुम लोग भजन करते हो कि नहीं, साधना करते हो कि नहीं, और ये बात सत्य है क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अब देखिए करुणा कि अब मैं ये शरीर नहीं रहेगा तो कुछ बता दे, जाते जाते कुछ कह दे। तो हम भी थे वहाँ और भी 3-4 लोग थे, डॉक्टर गीता भी थी, सतीश वाला जेठी भी थी। निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये पंक्ति अपनी ओर से ही बोल के और नाम लिए, वहाँ जो थे उनमें नाम लेके बताया कि कैसे ये लोग आए तो हमारे पास कि हमको आप महाराज श्री भजन में लगा दीजिए, पर भजन में नहीं लगे, कुछ और किसी में लग गए। तो हम भी बैठे थे तो हमारे और संकेत करके कहा कि हम जब पूछते हैं कि स्वामी गोविंदानंद कहाँ हैं, व्याख्या में करूँगा, उनका वाक्य मैं पहले सुना देता हूँ। हम जब पूछते हैं कि स्वामी गोविंदानंद कहाँ हैं तो जवाब मिलता है कि हिसाब किताब में लगे,
अब देखिए, गुरु महाराज ने हमको आज्ञा नहीं दी है, उन्होंने कोई इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी कि तुमको हिसाब किताब में लगना है। व्यक्ति आया है घर छोड़ के, कल तो हमारे आचार्य जी ने गजब कर दिया, 8 प्रकार के संन्यास गिना के। और ये देखिए, ये नम्रता जो है, ये विनम्रता, ये आपको कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, वो भी मंच से। तो अपने को किस श्रेणी में रखा, आप सब जानते हैं, कल हम सबको पता है कि वो श्रेणी में नहीं है, ये तो गुरुओं की इन पर कृपा है। तो अब महाराष्ट्र संकेत कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं कि यानी यहाँ जो है कोई सत्संग चल रहा है जिसमें महाराष्ट्र कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और हम आए तो उसी के लिए हैं कि महाराष्ट्र का ज्ञान विज्ञान हमको मिले, पर वो कैसे मिलेगा? अरे जब महाराष्ट्र को ये कहना पड़ रहा है कि जवाब मिलता है कि हिसाब किताब में लगे हैं, तो अपनी रुचि से ही तो हम लगे थे। तो यहाँ कह रहे हैं महाराष्ट्र कि गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। स्पष्ट है इस संस्मरण से आप देख लें कि गुरु संकेत कर गए कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसका मतलब अगर शिष्य तब भी अपने को पूर्ण मान रहा है तो फिर तो क्या कहें, ये तो उसकी बुद्धि की विडंबना है। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे सज्जनों कि वेदांत में जो सबसे बड़ी घाटी है, जो सबसे बड़ा प्रतिबंध है, वो यही है कि अज्ञान को ही व्यक्ति ज्ञान समझ लेता है तो अज्ञानी, और अपने को ज्ञानी मान लेता है, तो ये पूर्णता नहीं है। संकेत कर गए कि ये पूर्णता नहीं है जो तुम कर रहे हो। शिष्य की पूर्णता तब है जब गुरु को संतोष हो, गुरु को पता है कि भाई क्यों डॉक्टरी छोड़ के हमारे श्री चरणों में आया, इसके लिए तो नहीं कि महंती मिले या कोई यहाँ का पद मिले। तो ये वैराग्य जो है, कितना जोर दे रहे थे हमारे आचार्य जी, ये वैराग्य कितना अपेक्षित है, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे विचार मार्ग हो। और अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य हम सब के लिए है, जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, उनके लिए सद्गुरु की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। यानी भगवत प्राप्ति की इच्छा भी है, पर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी सर्वप्रथम कर्तव्य तो हमारे अभी बहुत सारे हैं, तो फिर इसका मतलब भी यह है कि भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है। इसीलिए तीनों को दुर्लभ बताया भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। मनुष्यत्व हमको आपको प्राप्त हो गया ठाकुर की कृपा से, पर अब ये जो दो चीज़ें जो दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति की इच्छा होना यानी मुमुक्षुत्व है, और सद्गुरु की शरण महापुरुष संश्रय, तो ये जो दो दुर्लभ वस्तुएं हैं, उनका जब संयोग इस मनुष्य शरीर से बनेगा तब जाके काम बनेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो मैं प्राय आजकल कहता हूँ कि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा भज गोविंदम में, सत्संगत्व निस्संगत्व, एक निस्संगत्व निर्मोहत्व, दो निर्मोहत्व निश्चल तत्व, तीन और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो उधर भी चार है और इधर भी चार है, हरि से लागा रहो रे भाई, एक तेरी बनत, पहला बनत, तेरी बनत बनत दूसरा बनत, और बन जाए। तो सत्संग में लगे रहने से फिर निसंगता प्राप्त होगी। तो हरि से लगा रहना है, संसार से तो आदि जन्मों से हम लगे हुए ही हैं, महाराज को करुणा आई तभी तो बोले, जिन्होंने कभी किसी को बिना पूछे नहीं कहा कि भाई तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो, देखिए करुणा, और फिर उन्होंने ही ये बुद्धि दी कि अब लग जाओ, है ना, नहीं तो फिर ये जन्म भी हाथ से चला जाएगा। बनत
तो बनत जो है निर्मोहत्वम, क्योंकि सत्संगत्व निस्संगत्वम, तो मोह क्या है? अज्ञान। तो निर्मोहत्वम जब अज्ञान मिट गया तो दूसरा बनत यानी निश्चल तत्व। तो निश्चल तत्व हमारा आपका स्वरूप है, और ये जो स्वरूप है उसमें कोई चलायमान नहीं है। चलायमान तो ये जो है त्रिगुणात्मिका माया का ये जो पसारा है वो ही चलायमान है। और बन जाई यानी जीवन मुक्ति। नारायण 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 नारायण।